आज आप लोगों ने किस वजह से योगी सरकार का पुतला फूंका? प्रदेश में हो रहे लगातार बलात्कार, अपराध और बढ़ती हुई डकैती छिनैती लगातार हो रही है और इस सरकार के कानों में जू तक नहीं देख रही है। ये सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है, एकदम बहरी हो चुकी है, एकदम गोंदी हो चुकी है। इनके कानों को जगाने के लिए आज समाजवादी जू संगठन सुल्तानपुर ने योगी जी का कलेक्टर सामने पहुंचा। प्रदेश से बढ़ते अपराध के बारे में क्या कहेंगे आप? प्रदेश में अपराधों की बाढ़ लगातार अपने चरम सीमा पे चली जा रही है। प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत से अपराध को और दिन प्रतिदिन बढ़ावा मिल रहा है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस भ्रष्ट योगी सरकार की। अगर यही हालात रहे, यही तरीका रहा इस सरकार के काम करने का, तो आने वाले समय में आज जैसे 5 जिलों में 6 जिलों में रेप की घटनाएं सुनाई पड़ रही है, आने वाले समय में दिन प्रतिदिन जो है रेप की घटनाएं बढ़ेंगी, छिनैतियां बढ़ेंगी, लूट बढ़ेगी, डकैतियां बढ़ेगी। आम जनमानस त्राह त्राह कर रहा है और इसके लिए समाजवादी पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन के रूप में काम करेगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत की जाएगी। कानपुर में एक महिला का बलात्कार हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कानपुर में 8 दिन के बाद जो महिला की लाश मिली है, सोचिए उसके परिवार के बारे में, उसकी जिम्मेदार लोगों के बारे में क्या दशा रही होगी कि 8 दिन से जिस घर की महिला, जिस घर की बच्ची गायब रही होगी, 8 दिन वो परिवार कैसे घूमा, कैसे जिया होगा। इस बात को सोचने और समझने का विषय है। इससे ज्यादा निंदनीय कार्य हाथरस का हुआ, बलरामपुर का हुआ, भदोही का हुआ, आजमगढ़ का हुआ। आजमगढ़ की हाथरस की कृत्यता तो इस हद तक बढ़ गई कि प्रशासन की मिलीभगत से कुछ ऊंचे ओहदों पे बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए हाथरस इनको रात में ही योगी सरकार द्वारा CBI जांच की इजाजत दे दी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो विपक्ष की एकजुटता, विपक्ष की ताकत के आधार पर जो है ये CBI जांच की इजाजत दी है। इससे पहले तो ये वहाँ लोगों को